हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सर्चिंग। यस, अभी हम यूनिट 4 करेंगे। यूनिट 3 इज ऑल अबाउट ट्री। यस, सर्चिंग के अंदर, सर्चिंग यानी कि क्या, हमें पर्टिकुलर आइटम को या गिवन एलिमेंट को हमें सर्च करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट बोलेंगे। यस, बेसिकली हमें वैसे तो बहुत सारी सर्चिंग टेक्निक अवेलेबल है। यस, उसके लिए आप अलग अलग कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हो फॉर द सर्चिंग पर्पस, लेकिन हमें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर खाली बेसिक टू टेक्निक लर्न करना है, डेट इज़ द बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च। यस, लीनियर सर्च यानी कि क्या, पर्टिकुलर ये एक सर्चिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम आइटम को लीनियरली सर्च करेंगे। यस, सो ये लीनियर सर्च के अंदर हमें एक ऑर्डर लिस्ट चाहिए और वी कैन से हमें पूरा आइटम जो है वो ऑर्डर के अंदर चाहिए, सॉर्टिंग के अंदर चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तभी वो होता है बाइनरी सर्च के अंदर। ये लीनियर सर्च के अंदर है, सो लीनियर सर्च के अंदर आइटम आपका कोई भी ऑर्डर में हो वो चल जाएगा। यस, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपका जो लिस्ट है वो सॉर्टेड में होना चाहिए। यस, लीनियर मीन्स व्हाट, सिक्वेंशियल। लीनियर और सिक्वेंशियल दोनों सेम है, सो जो भी हम सर्चिंग करेंगे वो सिक्वेंशियल वे से होगी और वी कैन से लीनियर वे में होगी। सो दैट टाइप ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक इज कॉल्ड एज अ लीनियर सर्च। यस, नाउ लीनियर सर्चिंग के अंदर हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये अल्गोरिदम है, अल्गोरिदम कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसके बेस पर प्रोग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। लीनियर सर्च के अंदर ए क्या है, वी कैन से गिवन एरे है, एन क्या है, साइज ऑफ एन एरे है, एक्स क्या है, सर्च एलिमेंट है। यस, स्टेप वन के अंदर हम रीड करेंगे क्या, एक्स को, जो भी आइटम हमें सर्च करना है उसको हम रीड करेंगे। स्टेप टू के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि पूरे आइटम को हम इटरेट करेंगे। यस, फिर बाद में हमें क्या करना है, वन बाय वन हम एरे को, एरे के अंदर आइटम को हम सर्च करेंगे। यस, ये एरे क्या है, हमारा लिस्ट है जिसमें से हमें आइटम को सर्च करना है, और एक्स क्या है, वी कैन से एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है। यस, सो यहाँ पर हम ए ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे। अगर हमें आइटम मिला सो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पर प्रिंट होगा आइटम फाउंड सक्सेसफुली, और अगर नहीं हुआ देन वी हैव टू प्रिंट, और यहाँ से हमें रिटर्न हो जाना है, और ये आइटम अगर फाउंड नहीं हुआ देन वी हैव टू प्रिंट आइटम इज नॉट फाउंड। यस, बेसिकली इन दिस एल्गोरिदम अगर हमारा लास्ट पोजीशन पर आइटम है तो पूरा सर्च परफॉर्म होगा। यस, सर्चिंग पूरे लिस्ट में होगा। अगर हमारा आइटम फर्स्ट पोजीशन पर है तो वो शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा सर्च। यस, डिसएडवांटेज क्या है, वी कैन से इट विल टेक मोर टाइम व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, वी हैव टू सर्च फ्रॉम द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस, सो इट विल टेक मोर टाइम। एडवांटेजेस क्या है, हम बोल सकते हैं एडवांटेज क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट। यस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है, कंसीडर करो इसको। इसके अंदर हमें क्या करना है, सर्च आइटम है 12। सो 12 कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द हियर, ए ऑफ जीरो से सर्च करेगा, यहाँ पर सर्च करेगा 65 इक्वल टू 12 है या नहीं, नहीं है। नेक्स्ट पर जाएगा 20 इक्वल टू 12, यस नहीं है, सो एलिमेंट नहीं है, आई इंक्रीमेंट होगा। सेम वे यहाँ पर आके उसको मिलेगा। सो यहाँ पर क्या होगा, वी हैव टू प्रिंट द लोकेशन कि हमें कहाँ पर आइटम फाउंड हुआ है, और हम ऐसा प्रिंट करेंगे आइटम फाउंड सक्सेसफुली। सो ये हो गया हमारा लीनियर सर्च, यानी कि क्या, सिक्वेंशियल सर्च भी बोल सकते हैं, या वन बाय वन सर्च करेगा आइटम ऐसा भी बोल सकते हैं। नाउ लेट अस सी द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। ये जो है वो आइटम को
पर्टिकुलर दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके सर्च करेगा। यस, कैसे सर्च करता है वो देखते हैं। और इसके अंदर एक और कंडीशन कंपलसरी है, जो भी हमारे पास आइटम लिस्ट होना चाहिए वो सॉर्टिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और हम बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी हमारा सर्च हो पाएगा, अदरवाइज हमारा सर्च परफॉर्म नहीं हो पाएगा। यस, सो इसको हम बोल सकते हैं बाइनरी सर्च। यस, और ये आइटम को लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है और आइटम को कंपेयर करेगा मिडल एलिमेंट से। अगर हम बोल सकते हैं ग्रेटर है तो वो राइट पार्ट में सर्च करेगा, अगर लेस है तो वो लेफ्ट पार्ट में सर्च करेगा। यस, और मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा, अगर मिडल एलिमेंट इक्वल टू योर आइटम है तो वो सर्च सक्सेसफुली हो जाएगा। इसका एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम के अंदर स्टेप वन के अंदर हम रखेंगे लो इज इक्वल टू वन, हाई इज इक्वल टू एन। यस, सो लो प्लस हाई डिवाइड बाई टू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिडल एलिमेंट मिलेगा। यस, और वही मिडल एलिमेंट को हम सर्च करेंगे। अभी हम यहाँ पर सर्च करेंगे रिपीट थ्रू स्टेप फोर। यस, स्टेप फोर तक हमें रिपीट करते रहना है। वहाँ यहाँ पर हम सर्च करेंगे वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई। लो लेस देन इक्वल टू हाई है तो हमें क्या करना है, सर्च जो एलिमेंट है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। ए ऑफ मिडल इज लेस देन सर्च आइटम, देन वी हैव टू लो इज इक्वल टू मिडल प्लस वन। एल्स इफ में क्या होगा, हम चेक करेंगे मिडल आइटम को। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे ए ऑफ एल्स इफ के अंदर ए ऑफ मिडल इज इक्वल टू सर्च आइटम है, देन वी हैव टू प्रिंट एलिमेंट इज फाउंड एट, और यहाँ पर हमें रिटर्न हो जाना है, और हाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, मिडल माइनस वन। ओके, ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लो के अंदर और हाई के अंदर हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर जो भी हमारा मिडल का पोजिशन है उसको प्लस वन करेंगे। यस, और लो पार्ट के अंदर, यस लो पार्ट इज इक्वल टू मिडल प्लस वन, और हाई के अंदर मिडल माइनस वन। और मिडल क्या होगा, स्टेप फोर के अंदर ये लूप के अंदर आ गया और उसको सर्च आइटम नहीं मिला, देन वी हैव टू अगेन लो डिवाइड बाय लो प्लस हाई डिवाइड बाय टू। यस, और अगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन से भी यहाँ पर निकला, सो वी हैव टू प्रिंट लो ग्रेटर इक्वल टू हाई, देन वी हैव टू प्रिंट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ओके, ये बाइनरी सर्च का हम ट्रेसिंग करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। सो ये एक एग्जांपल है बाइनरी सर्च का। फॉर एग्जांपल हमें सर्च करना है एलिमेंट 12। यस, अगर हम सर्च करेंगे सो पहले हम ये मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। यस, और लो का पोजीशन क्या है, हम बोल सकते हैं 0 है, और हाई का पोजीशन क्या है, 8 है। यस, सो अभी ये हम देख सकते हैं कि ये मिडल एलिमेंट जो सर्चिंग एलिमेंट है वो यहाँ पर ही हमें सर्च करना है, यहाँ पर सर्च नहीं करना है, क्योंकि ये लिस्ट क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में पूरा सॉर्ट लिस्ट है, और वी कैन से सॉर्टेड लिस्ट है असेंडिंग ऑर्डर में। यस, सो यहाँ पर लिखा है बोथ एलिमेंट आर नॉट मैचिंग एंड 12 इज स्मॉलर देन 50, सो वी सर्च ओनली ऑन द लेफ्ट सब लिस्ट बिटवीन द 10, 12, 20 एंड 32। ओके, यहाँ पर ये आपका कंडीशन जो है वो यहाँ पर आएगा और ये सर्च करेगा, हम बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, मिडल ए ऑफ मिडल, ए ऑफ मिडल यानी कि क्या, मिडल एलिमेंट क्या है, वी कैन से जो 4 या 5 है लेस देन इक्वल टू सर्च आइटम, सो हम क्या करना है, लो इज इक्वल टू मिडल प्लस 1। सो लो का एलिमेंट क्या हो जाएगा, वी कैन से टोटल नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पर मिडल कौन से पोजीशन पर है, 4th, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू लो हो जाएगा, यानी कि लो का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यस, एंड सिमिलरली यहाँ पर इसको हमें क्या सिंपली ट्रेस करना पड़ेगा, नोटबुक और पेपर पेन लेके, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं तो हम सिंपली लर्न करेंगे। यस, सो ये अभी सर्च करेगा इतने में से। यस, सो यहाँ पर वापस से लो का जो भी पोजीशन है डिवाइड बाय टू, वी कैन से यहाँ पर 4 डिवाइड बाय टू होगा, सो
मिडल एलिमेंट क्या होगा, डेट वी कैन से 12 इक्वल टू 12, कंडीशन क्या होगा यहाँ पर, इस में आएगा वी कैन से यहाँ पर आएगा ए ऑफ मिडल इज इक्वल टू सर्च आइटम, ये अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है देन वी हैव टू प्रिंट एलिमेंट इज फाउंड, यस। देन अगेन हम यहाँ पर 80 को सर्च करेंगे, 87 पर है, यस ये मिडल एलिमेंट है, यस। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं राइट साइड में ही हमें सर्च करना है, वापस से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यस। सो यहाँ पर क्या आएगा, 65 के साथ मैच होगा, कंडीशन फॉल्स होगा, यस फिर बाद में दो डिवाइड होगा, सो मिडल एलिमेंट कौन सा आएगा ये। सो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, आइटम फाउंड सक्सेसफुली। तो ऐसा हमारा पूरा प्रोग्राम रन होता है और वी कैन से परफॉर्म होता है। बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। बाइनरी सर्च के अंदर तभी वर्क करेगा जब हमारा आइटम सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, और लीनियर सर्च के अंदर ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। ये वर्क कर सकता है चाहे आइटम सॉर्टेड ऑर्डर में हो या अनसॉर्टेड ऑर्डर में हो। यस बाइनरी सर्च किया है वेरी इफिशियंट है, क्योंकि ये आइटम सारे सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। ये इफिशियंट कब भी होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, लेस होंगे। यस हम बोल सकते हैं ये वर्क्स कब करेगा, वेल विथ द एरे एंड नॉट फाउंड इन द लिंक, नॉट ऑन द लिंक लिस्ट। यस ये लीनियर सर्च का टेक्निक है ना, वो आप लिंक लिस्ट के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हो या सर्च करवा सकते हो, लेकिन बाइनरी सर्च का कंसेप्ट आप लिंक लिस्ट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। यस यहाँ पर बाइनरी सब कब यूज में होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन आर लेस। यस अगर कंपैरिजन लेस होंगे तभी ये हमारा बाइनरी सर्च बराबर से वर्क करेगा। यस यहाँ पर लीनियर सर्च कब इफिशियंट होगा, हम बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट आइटम मिल गया तो ये लीनियर सर्च इफिशियंट होगा, और लीनियर सर्च स्लो हो जाएगा जब हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होंगे। यस सो यहाँ पर वैसे भी सर्चिंग ज़्यादा होता है कंपेयर टू द बाइनरी सर्च। यस दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है और दोनों अलग अलग जगह पर यूज़ हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।